हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 8 की इंग्लिश बुक से पोयम 6, द डक एंड द कैंगरू के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 है, टेकिंग वर्ड्स दैट कम एट द एंड ऑफ लाइंस, राइट 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। लाइन के एंड में जो वर्ड्स आए हैं उनके आपको राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं, ऐसे 5 पेयर्स करने हैं। रीड ईच पेयर अलाउड, फॉर एग्जाम्पल पॉन, बियॉन। अब इसका आंसर है कैंगरू टू, हॉप स्टॉप, बैक क्वैक, पॉन्ड बियॉन्ड, डक लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द डायलॉग। डक, डियर कैंगरू व्हाई डोंट यू प्लान अ वर्ल्ड टूर विद विद मी। कैंगरू, विद प्लेजर माय डियर डक, दो आई एम अफ्रेड योर वेब फीट वुड ट्रबल मी। डक, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, आई विल कवर देम विद वुलन सॉक्स। The kangaroo does not want to catch rheumatism. Spot this word in stanza 3 and say why it is spelled differently. Kangaroo जो है वो rheumatism को catch नहीं करना चाहता था। ये जो word है stanza 3 में आप इसको ढूंढिए और फिर इसका बताइए कि इसको बिल्कुल अलग तरीके से क्यों spell किया गया है। Why is it in two parts? दो भागों में क्यों बताया है? Why does the second part begin with the capital letter? और second part जो है वो capital letter से क्यों शुरू हुआ है? Rheumatism. The word roo rhymes with the kangaroo. जो पहला word है roo, वो rhyme करता है kangaroo से. The other word matis refers subtly to rheumatism. और जो दूसरा word है matis, वो refer किसको कर रहा है? Rheumatism को. The word rheumatism has been split in two parts for the sake of rhyme and a disease. तो इस rheumatism word को दो पार्ट्स में इसलिए स्प्लिट किया गया है, एक तो राइमिंग करने के लिए, दूसरा डिजीज के बारे में बताने के लिए। डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस, रीड अलाउड लाइंस दैट मेक्स यू लाफ। क्या आपको लगा कि ये वाली जो पोएम है थोड़ी सी हास्यप्रद है? तो ऐसी कौन सी लाइंस हैं जिनको पढ़कर आपको हंसी आए? यस, द पोएम इज ह्यूमरस। अब एग्जाम्पल के तौर पे, बट क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपको अच्छे लगे, समझ में आए। सब्सक्राइब करो माय चैनल असा एजुकेशन। बाय।